हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिमिट की सीरीज में आज हमारा तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में हम स्टैंडर्ड फॉर्म और मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं, आज हम मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन सीखेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। पहली बात तो ये कि मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन यूज कब होता है, जब भी हमारे पास फंक्शन कुछ इस फॉर्म में हो। न्यूमेरेटर या डिनोमिनेटर, कहीं भी फंक्शन अगर रूट में होता है तब हम लोग यूज करते हैं रैशनलाइजेशन मेथड। एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि इसको यूज कैसे किया जाता है, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा ये। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर्मूला नहीं है, बस इसको सॉल्व कैसे करते हैं एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो अंडर रूट सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट सिक्स डिवाइड बाय एक्स। यहां पर रूट दिखाई दे रहा है तो इसको पहले हम लोग रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम लोग इसके कॉन्जुगेट से, न्यूमेरेटर में दो रूट दिए हुए हैं, हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब मालूम होगा, कॉन्जुगेट में क्या होता है, ये साइन अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देनी है, प्लस है तो माइनस कर देनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो अंडर रूट सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट सिक्स डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाई सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट सिक्स डिवाइड बाय सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट सिक्स। पहला स्टेप यही रहेगा रैशनलाइजेशन का कि हम लोग जो भी हमारा न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर जहां भी ये टर्म हो उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। यहाँ माइनस था तो कॉन्जुगेट में प्लस होगा, अगर प्लस होता तो कॉन्जुगेट में माइनस होता, सिंपल सा है। हम लोग अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे होगा, न्यूमेरेटर न्यूमेरेटर से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है यहाँ पर। तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी है, ठीक है। तो सिंपली अगर देखना है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड से माइनस प्लस माइनस होती है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो रूट रूट से मल्टीप्लाई होगा तो रूट एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट सिक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट सिक्स इज सिक्स डिवाइड बाय, ये ऐसा ही रहेगा एक्स अंडर रूट सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट सिक्स, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो प्लस सिक्स माइनस सिक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट सिक्स। अब यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, लिमिट कहां पर जा रही है, एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी डिनोमिनेटर का एक्स जो है वो कैंसिल होना जरूरी है। तो हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरेटर में x प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक x कॉमन है, x को कॉमन लेंगे तो ये x को कैंसिल कर देगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो x कॉमन, तो यहां बचेगा वन, यहां बचेगा x डिवाइड बाय x सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट सिक्स, ये x कैंसिल हो जाएगा। यहां बता देंगे x टेंड्स टू जीरो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जो बचा पहले इसको लिखेंगे, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट सिक्स। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को जीरो सब्सटीट्यूट कर देंगे, हो जाएगा वन प्लस जीरो
हम लिमिट सेपरेट करके भी यूज कर सकते हैं, पहले हम लोग लिमिट सेपरेट कर लेते हैं। इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स डिवाइड बाय लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अंडर रूट सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट सिक्स डिवाइड बाय। ओके नेक्स्ट एक्स की वैल्यू को जीरो रखना, जहां जहां एक्स है वहां जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो वन प्लस जीरो डिवाइड बाय सिक्स प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस रूट सिक्स इक्वल टू वन प्लस जीरो इज वन डिवाइड बाय रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स। आंसर इज वन अपॉन टू टाइम्स रूट सिक्स। सारे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस टू माइनस अंडर रूट थ्री एक्स माइनस टू। इससे पहले क्वेश्चन में रूट का टर्म न्यूमेरेटर में था, अब डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमेरेटर में हो या डिनोमिनेटर में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को वही करना है, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। यहाँ पर अगेन यहाँ माइनस है तो हम लोग कॉन्जुगेट में प्लस लिखेंगे, बस ये सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, बस कॉन्जुगेट में प्लस आ जाएगी। तो पहले ये करते फिर आगे देखेंगे क्या होगा। लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस टू माइनस अंडर रूट थ्री एक्स माइनस टू इन टू कॉन्जुगेट लिखेंगे एक्स प्लस टू प्लस थ्री एक्स माइनस टू डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट थ्री एक्स माइनस टू। सेम वैसा ही करना है, अब न्यूमेरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमेरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर और ये एक्स प्लस टू प्लस थ्री एक्स माइनस टू। कुछ भी ऐसा नहीं, जो मल्टीप्लाई है तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा रूट फर्स्ट से प्लस माइनस माइनस हो जाएगी सेकेंड रूट सेकेंड से। जब रूट रूट से मल्टीप्लाई होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो अंडर रूट एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। एक्स प्लस टू ये माइनस ये प्लस हो जाएगी माइनस, यहाँ पर भी दोनों का रूट निकल जाएगा तो हो जाएगा थ्री एक्स माइनस टू। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने में जो क्या दिखाई दे रहा है ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, जो भी प्लस माइनस होगी वो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दो ये है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर का मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आएगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। प्रैक्टिस अगर होगी तो बराबर दिखाई देगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है। अंडर रूट एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट थ्री एक्स माइनस टू डिवाइड बाय, इसको ओपन कर देते ये हो जाएगा देखो एक्स माइनस थ्री एक्स कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स टू, ये माइनस माइनस प्लस कितनी हो जाएगी फोर। इक्वल टू इसमें से माइनस टू कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्योंकि देखो लिमिट कहाँ जा रही है एक्स टेंस टू टू पे, एक्स टेंस टू टू का मतलब नीचे डिनोमिनेटर में एक्स माइनस टू कैंसल होना चाहिए, तो देखो पहले उसको कैंसिल कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू अंडर रूट एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट थ्री एक्स माइनस टू डिवाइड बाय माइनस टू, यहां से कॉमन निकालेंगे तो माइनस टू निकाल लो तो यहां बचेगा एक्स, ये प्लस है माइनस कॉमन निकालो तो ये माइनस हो जाएगा माइनस टू। अब ये कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर दो, यहां बता देंगे एज एक्स टेंस टू टू एक्स इज नॉट इक्वल टू टू देयर फोर एक्स माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सारे क्वेश्चन में बताना है, जहां से कैंसिल कर रहे हो बस वही स्टेप में ब्रैकेट में बता देना। अब जो बचा है उसको लिखेंगे, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो एक्स जहां जहां है वहां पर हम लोग टू रखेंगे। इक्वल टू लिमिट सेपरेट कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू टू जितने भी टर्म है सबको लिमिट सेपरेट करेंगे, एक्स प्लस टू लिमिट
x tends to 2, x plus 2 plus 3x minus 2 divide by limit x tends to 2 minus 2. अब जहां जहां x है वहां पर 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2, यहां पे 2, यहां 2 आएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 3 2 माइनस 2, यहां पे कोई x का टर्म नहीं है तो ये माइनस 2 ही रहेगा, 4, 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 2 इज 4 डिवाइड बाय माइनस 2, 2 रूट 4 इज 2, रूट 4 इज 2, 2 प्लस 2 इज 4 और ये माइनस है यहां पर, 2 प्लस 2 इज 4, 4 इंटू इक्वल टू 2, रूट 4 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 4 इज इक्वल टू 2 और ये माइनस यहां पे आ जाएगी इक्वल टू 2 प्लस 2 इज 4 एंड 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 इज माइनस 8, ये आंसर है. थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. थर्ड एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 डिवाइड बाय अंडर रूट 3x प्लस 4 माइनस 4. यहाँ पर डिनोमिनेटर में है रूट, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या करते हैं इसमें. ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 डिवाइड बाय अंडर रूट 3x प्लस 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 3x प्लस 4 प्लस 4 डिवाइड बाय अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस 4. न्यूमेरेटर टू न्यूमेरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले. यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सेम ऐसा ही रहेगा. यहाँ डिनोमिनेटर में रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट निकल जाता है. एक्चुअली ये होता है ऐसे, हम जानते हैं पहले से कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, रूट निकल जाता है. तो ये और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो उसका भी रूट निकल जाएगा. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस 4 डिवाइड बाय, इसका रूट निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4, ये माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16. ठीक है इतना. उसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड पढ़े थे, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. ये इक्वेशन आ गई, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा. माइनस 20 के दो पार्ट करने हैं हमको, कि हमको उससे प्लस 1 मिले तो सिंपल है. माइनस 20 के दो पार्ट होंगे प्लस 5 एंड माइनस 4. देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, माइनस 20 प्लस 5 माइनस 4, प्लस 5 माइनस 4 इज प्लस 1, जो हमको 1 चाहिए यहाँ पर. तो यहाँ पर हम लोग दो फैक्टर लिखेंगे प्लस 5 एंड माइनस 4. ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 x प्लस 5 x माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस 4 डिवाइड बाय, इसको ओपन करेंगे 3x प्लस 4 माइनस 16, प्लस 4 माइनस 16 कितना होगा माइनस 12, तो हो जाएगा 3x माइनस 12. यहां से 3 कॉमन आ जाएगा. लिमिट x टेंड्स टू 4 न्यूमेरेटर एज इट इज लिखेंगे x प्लस 5 x माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 3x माइनस 4. लिमिट है x टेंड्स टू 4 यानी x माइनस 4 कैंसिल होना चाहिए, तो इसको कैंसिल कर देंगे. यहाँ बताएंगे एज x टेंड्स टू 4 x इज नॉट इक्वल टू 4 देयरफॉर x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0. अभी यहाँ ये सॉल्व हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, लिमिट सेपरेट करेंगे और x की वैल्यू को 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे. इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 x प्लस 5 लिमिट x टेंड्स टू 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस 4 डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 4 3. x की वैल्यू को हम लोग 4 रख देते हैं, 4 प्लस 5
ये कितना है 3, ये 4 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, ये हो गया 9, 3 4 जा 12 प्लस 4 इज 16 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, ये 3 3 इज 9, ये 3 रूट 16 इज 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 3, 4 प्लस 4 इज 8 एंड 3 इंटू 8 इज 24, ये आंसर है। लास्ट एग्जाम्पल लेंगे, लिमिट z टेंस टू 4, 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस z डिवाइड बाय 1 माइनस अंडर रूट 5 माइनस z। यहाँ पर वेरिएबल z है, x, y, z कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही रूट आ गया, तो हमको अब न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के रूट के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। लिमिट z टेंस टू 4, पहले इसको लिखते हैं, 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस z डिवाइड बाय 1 माइनस अंडर रूट 5 माइनस z। न्यूमेरेटर के कॉन्जुगेट को लेंगे और फिर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को लेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस z डिवाइड बाय 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस z इंटू, डिनोमिनेटर से लेंगे 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस जेड, 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस जेड। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऐसा ही रहेगा, जैसे अभी तक करते आए वैसे ही करेंगे। इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 4, 3 3 इज 9, माइनस प्लस माइनस, ये रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो गया, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 प्लस जेड, ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा यहाँ पर, 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस जेड डिवाइड बाय, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस प्लस माइनस, ये रूट निकल जाएगा 5 माइनस जेड, ये एज इट इज ऐसा लिखते हैं इसको, 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस जेड, इसको ओपन कर देंगे, इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 4, 9 माइनस 5 हो जाएगा 4 माइनस, ये माइनस हो जाएगा z, 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस z डिवाइड बाय 1 माइनस 4 इज माइनस, सॉरी 1 माइनस 5 इज माइनस 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और ये 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस z। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये माइनस 4 प्लस z है, इसको हम लोग देखो लिमिट z टेंस टू 4 है, यानी z माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा z माइनस 4, यहाँ पर 4 माइनस z है, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो ये भी z माइनस 4 हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप होगी लिमिट z टेंस टू 4, माइनस कॉमन ले लेंगे z माइनस 4, रिवर्स देखो माइनस z प्लस 4, 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस z डिवाइड बाय z माइनस 4, 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस z, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे z टेंस टू 4, z इज नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर z माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू, अब लिमिट सेपरेट करेंगे, माइनस लिमिट z टेंस टू 4, 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस z डिवाइड बाय लिमिट z टेंस टू 4, 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस z, जहां जहां z है वहां पर 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस 1 प्लस 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 5 प्लस 4 माइनस 1 प्लस, यहाँ पे कितना आएगा अंडर रूट 1 का मतलब 1 ही होता है, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे उसको, 3 प्लस ये कितना हो गया रूट 9 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस रूट 9 कितना होता है 3 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 6, आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन 3। आज के वीडियो में मैंने 4 एग्जांपल ली है, आई होप ये समझ मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन समझ में आ गया होगा, ना समझ में आए कमेंट में बताएं क्या नहीं समझ में आया है,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. माय नेम इज शाजिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.